आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत भारत की युवा ब्रिगेड ने जीत के साथ की है। भारत ने गुयाना में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच को 45 रनों से जीत लिया है। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही, लेकिन कप्तान यश ढूल ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मोर्चा संभाला और शानदार अर्धशतक जड़ा। भारत ने 46.5 ओवरों में 232 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 233 रन का टारगेट दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की भी शुरुआत खराब रही और साउथ अफ्रीका की टीम 45.4 ओवर में सिर्फ 187 रन ही बना पाई। ऐसे में भारतीय टीम ने जीत के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के अभियान की शुरुआत कर दी है। यश ढूल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को इस मेगा इवेंट के ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें युगांडा, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड की टीम भी शामिल है। 16 टीमों को कुल 4 ग्रुप में बांटा गया है और अंक तालिका में अपने अपने ग्रुप में टॉप 2 पर रहने वाली टीमें प्लेऑफ और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।